ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, संग गौरा पर्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस एपिसोड में मैं जितेंद्र कुमार चौधानी आपका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि आठ बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन आठों बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, भयतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और पांच तन्मात्राएं, इन्हें पांच ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याध्याष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि आठ तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने विविध शरीर से, त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो आठ पाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति के परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निःस्पृह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन छह प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि आठों तत्वों वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, तो उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूज कर विशेष कृपा करते हैं, और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत जब सब कुछ वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मरात्म रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक की मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा।
ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है, वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वह स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभूलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखे जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें, ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है, इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्रम भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शालीशाली अग्नि एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर, सीता, धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग शक्तियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु वृत्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में विशुद्ध स्फटिक मय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग की सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति तीन प्रकार की बताई गई है, लोकाप्रिजनित, वेदाप्रिजनित और शिवामिजनित। लोकाग्निजनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की या धान्यों के तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि तथा पर्यूषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। विदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से भी मंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसको द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अम्लतास और बैर, खैर इनकी लकड़ियों की शिवाग्नि से जलाएं।
वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जलित माना गया है अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्व काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था, जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करते तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु में स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सारसत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राग भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से ज्योतिपूर्ण धारण किया है। वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार स्वरूप को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप से ही शिव कहलाता है, अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुण धारण करें। पूजा काल में जल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्ध के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजा सदी स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ ही आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है, अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीवन को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के देह द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं, अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हों वह मौन रहें, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हों तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य देव शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञानता का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथायोग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें, न्याय और प्रजित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अंत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब सभी मंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभुसूत्र कहते हैं, जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के माध्यम को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि शिव पुराण के इस एपिसोड में आप लोग सम्मिलित हुए। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी गुड़ बातें समझी और जानी। मैं भगवान शिव से वंदना करता हूँ कि हे प्रभु हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव संग गौरा पार्वती। धन्यवाद।